नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप 24 देख रहे हैं। आज जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दलित सेना की तरफ से एक बैठक बुलाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज यहाँ पे पहुँचे हुए। साथ ही साथ हम आपको बताते चले जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा और पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं वो तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तमाम जिलों से जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से रामविलास पासवान की तस्वीरों पर जो है पुष्प अर्पित किया गया है और भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी तस्वीरों पर भी फूल अर्पित की गई है। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना के तरफ से जो है ये तमाम बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हैं। और लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब अस्तित्वहीन हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति अपना प्रकोप दिखा रही है बिहार में। वो कहना चाह रही है कि लगातार जिस तरीके से हम लोगों को अपमानित करने का काम किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम लोग अब दिखाई पड़ेंगे और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोग अपने वादा को जो है निभाने का काम करेंगे। जिस तरीके से लगातार NDA से नाराज चल रहे थे पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम लोगों का यही आरोप है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रिंस राज और पशुपति पारस के अध्यक्षता में जो है ये आयोजन किया गया है। आपको दलित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है ताकि बिहार में किस तरीके से रणनीति तैयार की जा सके, अपने संगठन को किस तरीके से जो है विस्तार किया जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा ये हो जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लगातार विरोधों का सामना कर रही थी, लगातार वो जो है राजनीतिक दबावों के कारण उनके ऊपर दबाव पाया जा रहा था कि पार्टी कार्यालय खड़ा जो है खाली करना होगा, तमाम चीज़ों को लेकर अब कहीं ना कहीं अटकलें समाप्त होती हुई दिख रही है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब अपने पैरों पर खड़ा होते हुए दिख रही है। क्योंकि हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज दलित सेना के तरफ से जो है बैठकें बुलाई गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है सैकड़ों कार्यकर्ता दलित सेना जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता है तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी का जो है विस्तार किया जा सके। तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, महिला भी पहुँची हुई है, जो कार्यकर्ता है तमाम बातों को लेकर जो है अपनी बातों को रखने कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब जो है अस्तित्व में आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा था क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब अस्तित्व में नहीं रहेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो बोल रहे थे उनके मुंह पर एक जोर सा तमाचा है, क्योंकि अब जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी दमखम जो है दिखाने में लगी है और उनके ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण जिस तरीके से पार्टी कार्यालय जो है आवंटन रद्द किया गया था अब उन चीज़ों पर भी अब रोक लग गया है। ऐसे में फिर से हम आपको मंच की ओर लेके जाना चाहेंगे कि लगातार देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज उन चीज़ों को लेकर बातों को सुन रहे हैं और लोगों जो तमाम बिहार के तमाम जिलों से जो लोग आए हैं उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, जो जिला है उन लोगों को भी उनकी बातों को सुन रहे हैं ताकि उनकी समस्या है पार्टी को किस तरीके से विस्तार किया जा सके। तमाम बातों को लेकर बातें कही जा रही, खासतौर पर अहम भूमिका ये जो पार्टी को एक नए आयाम पर लेके जाने की जो बात कही जा रही थी अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिन्हा उनका अहम योगदान होता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार संघर्ष के दिनों में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा वो खड़े दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं जो है हर बातों को लेकर अपने मजबूती के साथ जो रख रहे थे। अब सवाल ये खड़ा हो जा रहा है क्या सचमुच में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है अब नए सिरे के साथ जो है बिहार में सरकार बनाने की जो है घोषणा कर सकती है। क्योंकि लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है लगातार कह रही है कि विधानसभा में हम लोग जो है अपने अगर NDA के साथ अगर हम लोग नहीं आते हैं, NDA अगर हम लोगों के साथ खड़ी नहीं होती है तो हम लोग जो है 243 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पासवान समाज को जो है नाराज करना चाहेगी NDA, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान को तवज्जो मिल रहा है और पशुपति पारस को किनारा कर दिया जा रहा था NDA की तरफ से, अब सवाल ये हो जा रहा है कि क्या पासवान समाज एकजुट होकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो है आधार बनाने का काम करेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2025 के विधानसभा में अपने मजबूती के साथ सरकार बना पाएगी या सिर्फ जो है वोट
काटने का जो एक परिप्रेक्ष्य होता है, उस दृष्टिकोण से जो है उम्मीदवार उतारेगी। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से भी अगर उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उतारती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को जो है नुकसान देखने को मिल सकता है। और लगातार इस तरीके से देख सकते हैं पासवान समाज जो है लगातार एकजुट होकर जो है काम कर रही है। आप लगातार देख लीजिए कि एकजुट होकर काम कर रही है और अब यहाँ पे देखिए एक साथ एकता का प्रतीक देते हुए कि हम लोग एक साथ हैं और एकता का प्रतीक देते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और 2025 में जो शिरकत करेंगे विधानसभा चुनाव में उन चीज़ों को लेकर जो है तैयारियाँ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल अब ये उठ जा रहा है क्या 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है ऐसे में लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का जो दावा कर रही है तो क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी आधार को अब बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा करेगी और तमाम बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी कैमरामैन मदन के साथ प्रिंस मिश्रा पटना, धन्यवाद।